अध्यात्म गुरु स्वामी दीपांकर को धमकी भरा लेटर भेजा गया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और स्वामी दीपांकर का आरोप है कि लेटर भेजने वाले ने धमकी दी है कि स्वामी दीपांकर किसी टीवी डिबेट में ना जाएं, नहीं तो अंजाम भुगत लेने को कहा गया है। ये बेसिक चल तो पिछले साल से रहा है। पिछले साल परशुराम जयंती थी, हम सहारनपुर गए थे, हमको तब भी धमकी मिला था, हमने पुलिस को बताया था तो पुलिस ने कहा हम कार्रवाई कर रहे थे। एक साल उस बात को बीत गया, कार्रवाई जारी है। अभी एक हफ्ते के अंतराल में दो लेटर आए। पहला एक जो चिट्ठी आया तो बाबा ने सोचा किसी की शरारत होगा, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। अभी जब दूसरा लेटर आया तो उन्हें लगा कि सीरियस है, उन्होंने हमें अवगत कराया, और जब हमें अवगत हुआ तो हमने पंजीकृत कराया मुकदमा, पुलिस में FIR कराया। परंतु कुल मिलाकर के स्थिति वही है कि कार्रवाई जारी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कार्रवाई किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है, और वो भी तब जब प्रदेश में और देश में राष्ट्रवादी सरकार हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे आश्रम को सुरक्षित और सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा। मामला वहाँ बच्चे खौफ में है। मामला पंजीकृत कराने के बाद भी आपका कहना यह है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, कार्रवाई का नाम जरूर लेते हैं कि कार्रवाई हो रही है, मगर कार्रवाई हो रही है ऐसा दिखता कुछ नहीं। इसीलिए कल मैंने DGP साहब को UP पुलिस को टैग कर एक ट्वीट भी किया। उम्मीद करता हूँ कोई सकारात्मक जानकारी या सकारात्मक बात सुनने को मिलेगी, वो लोग पकड़े जाएंगे जो गलत होंगे। और कम से कम मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को, मेरी इस व्यथा को, मेरी इस वेदना को CM साहब तक आप लोग जरूर पहुँचाएं। कम से कम CM साहब इस चीज़ को सुने, क्योंकि असुरक्षा क्या होती है वो हमारे प्रदेश के CM से ज़्यादा कोई नहीं जानता। धन्यवाद।